देखा वो वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। दोस्तों इंस्टाग्राम पर 3D इफेक्ट के नाम से ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल चल रहा है। तो दोस्तों आप अपने फ़ोटोज़ का यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह के वीडियोस अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है कैपकट। दोस्तों कैपकट का जो एप्लीकेशन है इसके लेटेस्ट वर्जन में ये जो 3D जूम वाला इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ से आप कैपकट का लेटेस्ट वर्जन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे हम इस ऐप को ओपन करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो 3D जूम इफेक्ट वाला वीडियो है इसे बनाने के लिए हमें अपने फ़ोन से यहाँ पर 17 फ़ोटोज़ को यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं फटाफट से अपने फ़ोन से यहाँ पर 17 फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने अपने फ़ोन से 17 फ़ोटो को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिंपली हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमारी जो कैपकट ऐप है दोस्तों इसके अंदर 17 फ़ोटो इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली हमें नीचे की तरफ यहां पर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आना है और यहां से हमें फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा 9:16, जिससे कि हमारा वीडियो यहां पर फुल स्क्रीन वाला वीडियो बन सके। तो सिंपली हम इसे दोनों फिंगर से इस तरह से जूम करेंगे और अपने जो स्क्रीन है इसके अंदर इस फोटो को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं फटाफट से दोस्तों सारे फोटो को यहां पर फुल स्क्रीन पर कर लेता हूं। दोस्तों तो हमने यहाँ से सारे फोटोज को दोस्तों जूम कर लिया है। इसके बाद जो लास्ट वाली जो वाटरमार्क वाली स्लाइड है इसे हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली हमें यहाँ से एक म्यूजिक को ऐड करना होगा। तो दोस्तों जो ट्रेंडिंग म्यूजिक आजकल चल रहा है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप यहाँ से इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर दोस्तों ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साउंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम डिवाइस वाला एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों तो आप 3D जूम इफेक्ट .mp3 ये वाला आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये साउंड हमारे वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली अब दोस्तों हमें यहाँ पर फोटोज को दोस्तों इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग यहाँ से फिट करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फोटो है इसे 1.2 सेकेंड के लिए यहाँ पर रखना होगा। तो दोस्तों मैंने सारे फोटोज़ को एक बार एडजस्ट करके देख लिया है ये साउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फ़ोटो 1.2 सेकेंड के लिए हम रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो सेकेंड फ़ोटो है इसे हम 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर रखेंगे। तो फोटो नंबर सेकेंड से लेकर फोटो नंबर 6 तक हमें यहाँ पर 5 फोटोज़ को 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्रॉप करना होगा। तो मैं फटाफट से 5 फोटो को 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर रखता हूँ। ऑलराइट दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगले जो 3 फोटो है वो हमें 0.5 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्रॉप करना होगा। ऑलराइट दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो अगले नेक्स्ट 2 फोटोज है इसे हमें 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ पर रखना होगा। ऑलराइट दोस्तों दोनों फोटो को हमने 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्रॉप कर दिया है। इसके बाद जो अगले नेक्स्ट 3 फोटोज हैं हमें इन्हें 0.4 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्रॉप करना होगा। तो सिंपली हम इसे 0.4 सेकेंड के लिए रखेंगे। ऑलराइट दोस्तों तो अब लास्ट के जो 3 फोटोज हैं हमें इन्हें 0.5 सेकेंड के लिए यहाँ पर कट करना होगा। ऑलराइट दोस्तों तो सारे फोटोज हमने दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको टाइम बताया है तो दोस्तों इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने फोटो को कट करेंगे तो आपके जो म्यूजिक है उसमें परफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हमें सिंपली दोस्तों इन फोटोज के ऊपर 3D जूम इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखिए स्टाइल का एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है वो लेटेस्ट वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आप कैपकट ऐप को इसी लिंक के थ्रू डाउनलोड करें तभी आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपली स्टाइल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर 3D जूम इफेक्ट देख सकते हैं। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों 3D जो फिल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी यहाँ पर
एक एरर का ऑप्शन अगर दिखाता है तो देखिए यहाँ पर हमारे फ़ोन में अप्लाई नहीं हो रहा है ये जो 3D इफेक्ट है। तो सिंपली हमें दोस्तों यहाँ पर एक VN एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तो आप दोस्तों मैं अपने फ़ोन में यहाँ पर सिक्योर VPN ऐप का यूज़ करता हूँ, तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर इस ऐप को कनेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट वाला ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, अब वापस से हम अपनी कैपकट ऐप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट था लेटेस्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एज इट इज़ हमें देखने को मिलेगा। अब सिंपली वापस से हम जो स्टाइल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे और 3D जूम इफेक्ट इस फोटो के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3D जूम इफेक्ट है हमारे फोटो के ऊपर इजीली अप्लाई हो चुका है। तो हम थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर वेट करेंगे, ये देखिए हमारे फोटो के ऊपर ये इफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों हम सारे फोटोज़ पर ये इफेक्ट लगाएंगे। तो मैं फटाफट से दोस्तों वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने यहाँ पर सारे फोटोज़ के ऊपर इफेक्ट लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ये जो राइट हैंड कॉर्नर पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाएंगे और इसके बाद सिंपली से एक्सपोर्ट कर लेंगे।